जिला प्रशासन स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत मंगलवार को तहसील सदर के सभागार में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई, जिसमें एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक से मुक्ति के लिए आह्वान किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर के अलावा SDM सदर प्रथमेश कुमार, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, CO कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे व तहसील के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा, और उनको भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने पर उपयोग हो सकने वाली कांच या स्टील हाथ की बोतल का ही उपयोग करूंगा। अपने देश के सभी प्राचीन संसाधनों जैसे नदियों तालाबों झीलों आज में किसी को भी प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को खाने के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली जैसा कि आज सुबह हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक शपथ दिलाई है सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को, जितने कार्मिक यहाँ उपस्थित थे, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार का आह्वान किया गया है। उसके साथ साथ जैसा कि आपको ज्ञात है कि शासन का एक आदेश है कि पॉलीथीन और पॉलीथीन से निर्मित जितनी वस्तुएं उनका हम भी बैन किया गया है। सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन, इसका कम्प्लीटली बहिष्कार करना है और इसी का एक आह्वान किया गया है और शपथ के माध्यम से लोगों को उनके उत्तरदायित्व का बोध कराने का एक प्रयास किया गया है।